बहुत से ऐसे काम, बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने जहन में सोचते हैं लेकिन कभी उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, कभी वो काम हो नहीं पाते, या फिर आप ये कहें कि आप इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते कि वो काम कर सकें। ऐसा होता क्यों है? जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर उस प्लानिंग को हम क्यों नहीं अमली जामा पहनाते? हम आज बात करेंगे एस्ट्रोंकल से इसी पर। स्वागत है पवन जी आपका। राम राम। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे आप? एकदम फिट। अचूक उपाय आपको बता देते हैं, यदि आपसे कोई गलत काम हुआ है और उस वजह से घर में अशांति है तो किस तरीके से शांति लाएं घर में, ये हम आज अचूक उपाय में जानेंगे। हम सोचते हैं पर काम नहीं कर पाते, ये तो आज सुबह उठे, रात को हम ये सोच के सोए थे कि सुबह पक्का वॉक करने जाना है लेकिन वॉक करने नहीं गए, अरे नहीं आज नहीं कल से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों। ये कॉमन सी बात है जो सबके साथ होता है लेकिन ये छोटे छोटे काम है। बड़े बड़े कामों के बारे में भी हम लोग बहुत सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? ये बड़ी खतरनाक बात है, खतरनाक इस सेंस में क्योंकि बहुत सारे ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी इसकी वजह से जिंदगी में मात खाते हैं। ऐसा नहीं है, देश में टैलेंट की कमी नहीं है, ब्रेन्स की कमी नहीं है, लेकिन इससे कहीं कुछ ज्यादा की जरूरत होती है। टैलेंट होना और टैलेंट को एग्जीक्यूट कर पाना, ये दोनों अलग अलग बात है। बहुत सारे लोग जिनमें टैलेंट कम होता है लेकिन उनका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो तरक्की कर जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जिनमें टैलेंट बहुत होता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वो बैठे रह जाते हैं। और एक बात जान लीजिए ज्योतिष, अगर कोई ये मान के चलते हैं कि ये केवल भाग्य का विज्ञान है तो बिल्कुल गलत है। यह वर्तमान और भविष्य दोनों का विज्ञान है, और साथ साथ आप क्या कर्म करें, कब से करें, क्यों करें और कैसे करें, यह बताने का विज्ञान है। इसलिए कर्म करना पड़ता है, कर्म की डायरेक्शन तय होकर जब आप कर्म करते हैं तो फायदा निश्चित देते हैं ईश्वर, देते ईश्वर ही। अगर आप कमजोर चंद्रमा से या सूर्य से या मंगल से पीड़ित हैं, सोचेंगे तो बहुत, कर कुछ नहीं पाएंगे। बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है हाथ का ये वाला हिस्सा बहुत उठा हुआ होता है, ये वाला हिस्सा हाथ का ये काफी उठा हुआ होता है। अब यदि आपका ये हिस्सा उठा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप सिर्फ सोचेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं, और जब आप कुछ करते नहीं है तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा उन्हें उपाय करें, ठीक करें, जिससे कि आप जो अपनी सोच सकते हैं बातों को उनको करके भी दिखा दें। चलिए जिंदगी को पटरी पर लाएंगे लेकिन आने वाले दिन को तो पहले ले आते हैं पटरी पर, प्लानिंग करते हैं आने वाले दिन की कि कैसा रहेगा, वो बताएंगे एस्ट्रो अंकल। तो दिन है बुधवार का, 13 मार्च, मेष शुक्रवार, मिथुन राशि। मेष राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, इस दिन का सदुपयोग करने का प्रयास करें, यात्राओं में जाने से फायदा होगा। हाँ, इतना जरूर है कि आप थोड़ा सा अपने सर आंखों का ख्याल रखिएगा, बाकी कुल मिला के वक्त अच्छा है, लाभ उठाएं। सुबह 10 से 12 विशेष समय है, इस दिन आपका विशेष उपाय रहेगा गुड़ का दान करना। वृषभ राशि, थोड़ा मन को मजबूत करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा कार्य कर पाएंगे। वैसे ये दिन अच्छा है, प्रभावशाली दिन है, आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा और आप अपने लिए लाभ अर्जित कर पाएंगे। सुबह 7 से 9 विशेष समय है, इस दिन का आपका खास उपाय है लाल मसूर की दाल किसी गरीब को देना। मिथुन राशि, बहुत सारे रुके हुए कार्यों को इस दिन आप पूर्ण कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन चीजें बेहतर हो सकती हैं। सुबह 10 से 11 विशेष समय रहेगा, इस दिन आपकी सफलता के लिए बहुत विशेष बात आप कर लीजिएगा। दूध से बनी हुई कोई चीज अपने माता पिता को अपने हाथ से दीजिएगा। प्लानिंग करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है शाम के वक्त बहुत सारी प्लानिंग होती है और कहते हैं कि शाम के वक्त कभी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होती, आप ऐसा मानते हैं? पहले बताइए। जी हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, इसीलिए ज्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे अपने मंतव्यों को पा नहीं पाते, पाना तो दूर की बात है, उस रास्ते पे चल ही नहीं पाते, इसलिए निदान आवश्यक है। बिल्कुल, तो शाम की प्लानिंग से को पहले अवॉइड करें। दूसरा ये कि प्लानिंग हमने कर ली लेकिन जब एग्जीक्यूट करने का समय आता है तब कहीं ना कहीं दिमाग में एक डर भी बैठा होता है कि पता नहीं हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं, पता नहीं हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं सही है या नहीं, इस दुविधा से कैसे बाहर निकले? चंद्रमा को मजबूत करने से ही इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, शुरुआत में तो सबको होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही ऊंचा मनोबल क्यों ना हो, कितना ही बुलंद क्यों ना हो, कितना ही दूरदृष्टि क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी सी झिझक तो होती है जब हम सोचते हैं करें ना करें। ऐसा वक्त जिंदगी में सबके साथ आता है
लेकिन जिनका चंद्रमा मजबूत होता है वो उस वक्त से जीत जाते हैं, अपने लक्ष्य पर, निहित लक्ष्य पर चल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल डिटेल्स आप नोट कीजिए, रूबी शर्मा का आया है, डिटेल्स नोट कीजिए इनकी। 18th March 1986 डेट ऑफ बर्थ है, 4:30 शाम के, और प्लेस है दुबई, और दुबई के हिसाब से ही आप समय नोट कीजिएगा, 4:30 वहां के हैं। अच्छी नौकरी इनको नहीं मिल पा रही, बहुत समय से ट्राई कर रही हैं, 50 नौकरियां ये ट्राई कर चुकी हैं, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। इंटरव्यू होती है लेकिन कोई इनसे इंप्रेस ही नहीं हो पाता है, रिजल्ट बिल्कुल जीरो रह जाता है। क्या उपाय करें अच्छी नौकरी पाने के लिए? दूसरा ये कि कोई परफेक्ट मैच भी इनको चाहिए, शादी की इनकी एज हो रही है इनका कहना है, तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताइए। देखिए, जॉब का समय आपका जून 2014 से अच्छा आएगा, तब तक थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको महसूस होती रहेगी। खास तौर से यह वर्ष जो आपका चल रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है, बड़ा डिससेटिस्फेक्शन आपको देगा, और साथ ही साथ यह है आप इतना टेंस हो जाएंगे सोचते सोचते जिसके हद नहीं। लेकिन अच्छा है कि इस वर्ष कोई बहुत विशेष जॉब ना मिले, नहीं तो वो आगे जाकर छूट जाएगी और आपको फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा होगा। मैं प्रभु से ये भी कामना करता हूँ कि इस वर्ष आपका विवाह ना हो, अन्यथा वो भी मटेरियलाइज नहीं होगा। मार्च 2014 से अगस्त 2014 के बीच में अच्छी जॉब, अच्छा वर्क दोनों आपको मिल जाएगा। आप ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए, विष्णु जी आपके इष्ट हैं, श्री कृष्ण की आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक लोहे का छल्ला शनिवार को अपनी मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा, हाथ कोई भी हो सकता है, और एक सोने का छल्ला जो बीच में से जुड़ा ना हो, खुला हुआ हो, वो थर्सडे को अपने हाथ में जरूर डाल लीजिएगा, फिंगर होगी इंडेक्स, हाथ कोई भी हो सकता है। चलिए रूबी, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, वैसे नौकरी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह कन्या राशि, बुधवार का दिन कैसा रहेगा इनके लिए? कर्क राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, इसलिए बेहतर से बेहतर काम इस दिन करने की कोशिश कीजिएगा। आप रुके हुए कार्यों को अगर ढंग से कर लेगी तो ज़्यादा अच्छा है, वो कार्य मटेरियलाइज हो सकते हैं, कोई नई चीज़ सीख पढ़ सकते हैं। सुबह 10 से 12 विशेष समय है आपका, इस दिन का खास उपाय आपके लिए कि कुछ बताशे गरीब बच्चों को बांट दीजिएगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, आपके क्रोध की या जल्दबाजी की वजह से आपका नुकसान हो सकता है, कोई आपसे रूठ भी सकता है। सुबह 7 से 9 विशेष समय है इस दिन, आपका खास उपाय है सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल दें, आदित्य अर्ध स्त्रोत का 3 बार पाठ करें, फिर दिन प्रारंभ करें। कन्या राशि, वक्त आपके लिए स्वास्थ्य को और धन को लेकर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यदि आप कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है इस दिन उसमें कुछ बाधाएं आए। शाम को 6 से 8 रहेगा विशेष समय आपका, इस दिन का आपका बेहद जरूरी उपाय है जौ का दान, जौ को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिएगा, क्वांटिटी आप तय कर लीजिए। अब अचूक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। भाई, हम और आप इंसान हैं और हर इंसान से गलती तो जरूर होती है, और कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि उस वजह से आपकी परिवार में अशांति हो जाती है। गलतियों को तो ठीक करना है, ये तो हम ही करेंगे, लेकिन परिवार में शांति कैसे लाएं? एक छोटे से अचूक उपाय से, कौन सा है एस्ट्रोंगल अचूक उपाय? अपने सोने के स्थान, जो आपका कमरा है या जहाँ भी आप सोते हैं, उस स्थान की सफाई स्वयं करना शुरू करें, नमक का वहाँ पोछा लगाएं और दूध को गिरने नहीं दें, और साथ ही साथ रात का जो चूल्हा है वो स्वयं आप बंद कीजिएगा। कैसे? उसको उस पर जोर से दूध की छींटे मार के उसको स्विच ऑफ कर दीजिएगा, उसको बटन घुमा दीजिएगा उसका। ये दो उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आपकी वजह से होने वाली गड़बड़ियों की वजह से परिवार की अशांति दूर होगी, वहाँ शांति की स्थापना होगी। याद रखिएगा, अपने परिवार को अशांत आपने किया है, शांत भी आप ही करेंगे। बिल्कुल, जिम्मेदारी आप ही की है। हम सोचते बहुत हैं लेकिन भाई हम वो काम कर नहीं पाते। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग बनाई, 10 लोगों को फोन कर दिया, लेकिन जब वो काम करने की बारी आई कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमने सोचा छोड़ो आज नहीं करते कल कर लेते हैं, या फिर छोड़ दो इस काम को ही नहीं करते हैं। कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर इस तरह का आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि हम जो सोच रहे हैं हम उस कार्य को करें। तो क्या करें, उपाय क्या उस वक्त करने चाहिए जिस वक्त हम आइडियाज लेकर आ रहे हैं, जिस वक्त हम अपनी सोच को उस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, या फिर उस वक्त जब हम काम करने जा रहे हैं? दोनों समय हमें ये करना होगा, क्योंकि ये हमें पता चल जाता है कि ये हमारी हैबिट है कि नहीं है। बस तभी से वो उपाय, जैसे ही मुझे आज रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो मेरे अंदर भी है कि मैं सोचता बहुत हूँ लेकिन करता कुछ नहीं हूँ,
कर पाता भी छोड़ दीजिए, कर पाता है ना, आप कर पाता की बात भी तब आती है जब आप करने का एफर्ट्स करते हैं। मैं उनकी बात खास तौर से कर रहा हूँ जो सिर्फ सोचते हैं कुछ नहीं करते हैं और लिहाजा फ्रस्ट्रेशंस में रहते हैं। अब आप दोष किसी को भी देते रहिए, नुकसान आप ही का होना है। इन लोगों को जैसे ही पता चले मुझे, मैं उपाय करना शुरू कर दूँ। अब देखिए इसमें उपाय कितने सरल है, बहुत सरल है कि यदि आपके विचार कोई मन में आते हैं तो भोजपत्र होता है, भोजपत्र पे ये लिख दीजिए मुझे ये करना है, ये कल क्या करना है, आज क्या करना है से लेकर और जीवन में बड़ा क्या करना है तक सब कुछ इसमें शामिल मैं बता रहा हूँ। तो करना क्या है, भोजपत्र पे लिखें कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे जीवन में क्या करना है, और उसे आपके इष्ट के चरणों में कुछ दिन के लिए रख के बाद में उसको अपने सामने लगा दें, ज़रूर आपको लाभ होगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इस बुरी आदत के शिकार लोग हैं उन्हें शनिवार को भैरव मंदिर में अथवा काली मंदिर में जाकर उनके भैरव बाबा के चरणों में अथवा काली माता के चरणों में नारियल अर्पित करके और वहीं बैठकर उनसे शक्ति मांगनी है, तुरंत मिलेगी। या फिर माँ बगलामुखी के पास आप जाएं, उनके चरणों में नारियल अर्पित करें, ये शक्ति मांगे और देखिएगा धीरे 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 आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ने लगी, जो सोच रहे हैं वो अब आप करने लगेंगे, शरीर में शक्ति आपको मिलने लगेगी। एक दो और उपाय मैं बता रहा हूं जो आपके दिमाग और मन की शक्ति को भी मजबूत करेंगे, शरीर में भी शक्ति आपकी होनी जरूरी है, तभी आप सोची हुई बात को कर पाएंगे। अभी बताता हूं। बिल्कुल, और उस आलस को छोड़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रो अंकल आने वाले दिन का हाल बताइए। बुधवार का दिन 13 मार्च और तुला वृश्चिक धनु राशि कैसा रहेगा, कैसे करें अपने दिन की प्लानिंग? तुला राशि, नौकरी जो लोग कर रहे हैं थोड़ा संभल के करें, खासतौर से सरकारी नौकरी में है या जो लोग समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं उनको जरा ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। इस दिन हो सकता है कि आप किसी कार्य को ना कर पाए लेकिन उसका ब्लेम आपको झेलना पड़े। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन आपको जो खास उपाय करना है वो ये है, मिश्री का दान भी आपको करना है, साथ ही साथ दिन में कुछ 2-3 मिश्री यदि आप चबा सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, इस दिन मन को मजबूत करने की जरूरत है, ज्यादा आलस्य या थकन आप महसूस कर सकते हैं जिसकी वजह से अच्छा खासा दिन भी आपका कमजोर पड़ सकता है। थोड़ा उत्साहित होने की कोशिश कीजिए, दौड़ भाग कीजिए, अच्छे अच्छे काम करने का प्रयास कीजिए, अच्छा होगा। शाम 5 से 7 विशेष समय आपका है। इस दिन का आपका खास उपाय है सूर्य की साधना आराधना सुबह सुबह जरूर करें, उनको जल दें। धनुराशि, थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन चिंता ना करें, कार्य बन जाएगा। माँ की सेहत का ख्याल थोड़ा सा आपको ज्यादा रखना होगा। सुबह 10 से 12 शाम 5 से 6 आपका विशेष समय है, किसी पुराने जानकार व्यक्ति की वजह से आपको लाभ मिलेगा। इस दिन का आपका विशेष उपाय है कुत्तों को भोजन देना। तो जैसे एस्ट्रो अंकल ने कहा कि कोई भी आइडिया अगर आप सोच रहे हैं, आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत सारी परेशानी आ रही है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए क्या करें? एक खास चीज नोट कर लें, यदि बार बार आपको ये लगता है कि मैं कुछ तभी कर पाऊंगा, मुझे सुख तभी मिलेगा, धन तभी मिलेगा, व्यापार तभी चला पाऊंगा जब मैं माता पिता की या आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी जायदाद बेचूंगा, कोई प्रॉपर्टी उनकी बेचूंगा, अगर ये ख्याल आपके मन में आता है तो यकीन करके चलिएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पैसा भी आपका बेकार चला जाएगा, ये यकीन करके चलिएगा। ऐसे लोगों को ये थॉट भी अपने अंदर नहीं लाने देना है और अपने दम या अपनी प्लानिंग या लोन इत्यादि आदि आदि के बेस पर अपना कार्य शुरू करने की कोशिश करनी है, चाहे वो पढ़ाई हो या व्यापार हो या नौकरी हो या घर बनाना हो या वाहन खरीदना हो, कुछ भी। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी अष्टगंध बड़ी आसानी से बन सकती है, अष्टगंध नहीं बन पाए पंचगंध बना लीजिएगा, अगर होगी तगर होगी, लाल चंदन, सफेद चंदन और कपूर, ये 5 चीजें मिलाकर आप एक तिलक बना लीजिए, उसमें थोड़ी सी केसर भी आप मिला लें तो अच्छा रहेगा, और इसको पहले भगवान विष्णु के चरणों को अर्पित करें या अपने इष्ट के चरणों को अर्पित करें और तदुपरांत रोजाना अपने आज्ञाचक जिवा और विशुद्धि और नाभि में इसको लगाया करें, धीरे धीरे आपका आत्मबल बढ़ेगा, सोचे हुए कार्य आप पूरे कर पाएंगे, ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे बेहतर होते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल सीमा जी का है, 13 फरवरी 1987 डेट ऑफ बर्थ है, 9:12 सुबह के प्लेस है कानपुर।
सीमा जी और इनकी मदर दो ही हैं घर में, मदर ने बहुत हार्डवर्क करके इनको पाला है। बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक था लेकिन नहीं बन पाई, फाइनली अब लॉ कर रही हूँ। सवाल बहुत सारे हैं इनके, लेकिन कुछ एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। क्या ये जुडिशियल सर्विसेज की प्रैक्टिस कर सकती हैं, क्या मेरी किस्मत में ये लिखा है? दूसरा, अगर बिजनेस लिखा है तो मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, कम पैसों में किस तरह का बिजनेस मैं शुरू कर सकती हूँ? एक, अब क्योंकि इंटरेस्ट इनका एक्ट्रेस बनने का था तो कहीं ना कहीं उधर भी इंटरेस्ट इनका अभी भी है, तो एक अपना कल्चरल सोसाइटी बनाने के बारे में सोच रही हैं, क्या ये सही रहेगा? और अगर आप नाम सजेस्ट कर पाए तो, मुख्य ग्रह और इष्ट जानना चाहती हैं, और अगर कुछ आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए। देखिए, कल्चरल सोसाइटी बनाने का वक्त अभी नहीं है, 2014 में मई से सोचना शुरू कीजिए, बिल्कुल बना पाएंगी आप, ना केवल बना पाएंगी बल्कि उसको बहुत अच्छे से प्रतिष्ठा भी दिला पाएंगी, जिसकी वजह से आपको भी प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रयास करते रहिए, लेकिन 2014 में उसको करना है। दूसरी चीज़ है, जुडिशियल सर्विसेज का तो योग कम है इसमें, लेकिन एक अच्छे प्रतिष्ठित लॉयर बनने का योग है। हो सकता है जो 10 वर्ष की एक समय सीमा होती है उसके बाद जजेस कोलियम से वो उसको ऑप्ट करते हैं सीनियर लॉयर्स को, शायद उस प्रोसीजर से आप गवर्नमेंट में या जुडिशियल सर्विसेज में जा सके, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 10-12 वर्ष का भी इंतज़ार करना है। मेहनत से लॉ करिए, सोसाइटी बनाइए, प्रतिष्ठा और धन दोनों हासिल होंगे, बिजनेस के योग अभी नहीं है, इसलिए बिजनेस के बारे में मत सोचिए। एक खास चीज सुन लीजिए, 14, 15, 16 ये 3 वर्ष आपके पास बहुत अहम है, समय शुरू हो चुका है, 16 तक आप सेटल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो बाद में फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। नए रिश्ते जोड़ने का समय तो है, लेकिन थोड़ा सावधानी से जोड़िएगा, अन्यथा टूटने का डर रहेगा। 3 कुत्तों को भोजन दें जब आप विवाह करने की तैयारी करनी शुरू कर दें, और रोजाना में आपको शिव जी का जप करना है, ओम शिवाय नमः का करके शिव जी का आपको नियमित रूप से जप करना है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, मंगलवार को लाल धागा या बताशे जरूर गरीब बच्चों में बांट दिया करें, लाल कपड़ा भी बांध। तो सीमा जी उपाय बहुत सारे एस्ट्रों के लिए बता दिए हैं भाई, हम आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे और कल्चरल सोसाइटी बनाइएगा, जरूर अच्छा कार्य है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी 3 राशि के समय आने वाला था। मकर राशि, अपने धन का आपको काफी ख्याल रख के चलने की जरूरत है, इस दिन किसी को धन देने से बचें। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय रहने वाला है, इस दिन का आपका खास उपाय है गुड़ का दान। कुंभ राशि, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, यह दिन आपको हंसी खुशी से गुजारना है, तनाव रहेगा उसको हंस के दूर करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, शाम 6 से 8 आपका विशेष समय है, जम के अपनी पढ़ाई करें। इस दिन का आपका खास उपाय है काले कपड़े पहनने से बचेगा, पीला धागा अपनी दाहिनी कलाई में जरूर बांधिएगा। मीन राशि, क्रोध अचानक आपको आएगा जिसकी वजह से आपके रिश्तों में खटास या कमी हो सकती है, सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय, इस दिन आपको बहुत विशेष रूप से एक छोटा सा उपाय करना है, पीला वस्त्र जरूर धारण करना है तथा बेसन की बनी हुई चीजों को कुछ गरीबों में जरूर तकसीम कर दें। और अब वक्त है ये जानने का, जिनका बर्थडे है कल यानी 13 मार्च को, उनको अपने साल की प्लानिंग कैसे करनी है, तो जानते हैं स्ट्रॉन्ग पल्स। ये वर्ष आपके लिए कुछ कठिनाइयां लेके आएगा, मानसिक कठिनाइयां, हो सकता है इमोशनली थोड़े से आप डिस्टर्ब महसूस करें, रिश्तों को भी आपको इस वर्ष बहुत संभल के चलाना पड़ेगा, अन्यथा उसमें भी कोई खटास आ सकती है, लेकिन कुल मिला के ये देखा जाए, व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो जून के बाद सफलताएं हैं, यदि विदेश से संबंधित व्यापार है तो अगस्त से के बाद सफलता है, यदि विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो भी अगस्त के बाद आपको सफलताएं मिलेंगी, बाकी जो लोग हैं जो यहाँ कार्य कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन लोगों को जून के बाद से बेटरमेंट महसूस जरूर होगा। तो कुल मिला के समय तो अच्छा है, बस मनोभावों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Many happy returns of the day. कुछ और जानना चाहते हैं लिखे डिटेल्स ईमेल कर दीजिए tezastrouncle@aajtak.com पर, SMS कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर। तो आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल भाई, हम यही कहेंगे जो सोचते हैं उसे करिएगा जरूर, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे कल 23 पर।